तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी लगा रहे हैं इस फूल के नीचे, तो इस पौधे के नीचे इसमें फूल आ गया है और फल भी लगने फूल आ गया है, तो इसका बिया जो है फर्श पे गिर जाएगा। तो बड़ा बन, मैं जूम कर दी तब जाकर ये बड़ा दिख रहा है, नहीं तो ये बहुत छोटा छोटा सरसों के दाने। हाँ सब अंदर यहाँ बैठी हुई है चटाई बिछाकर, मैं खाना बना रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी, अब चलती हूँ फिर से बनाती हूँ। यहाँ चंदन के पापा मेर तो देखिए दोस्तों खिचड़ी कुछ इस तरह बना है, और ये देखिए यहाँ पर तो सब लोग में परस वाले वीडियो में कमेंट आया था मैं बनाई थी, क्या बनाई थी चंदन? हाँ गोभी का पराठा। नहीं उससे पहले क्या बनाई थी? तो दोस्तों इधर सारा कपड़ा मैं धो के फैला दी हूँ, और अभी सारा काम करना है, तो बच्चे आएंगे पढ़ के तो आप सबसे मिलेंगे, तो इतना सारा काम हमारा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना आप सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं सौंठ को पीस रही हूँ, देखिए हमने सौंठ ले ली हूँ, तो चलती हूँ पहले सौंठ को पीस लेते हैं। तो आज सौंठ वाला बनाएंगे रेसिपी, आप सबको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं सौंठ को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ बारीक। तो देखिए दोस्तों एक बार हम पीस लिए हैं, दूसरी बार पीस लेते हैं। सौंठ को बारीक पीस ली हूँ, अब सिल से उठा लेते हैं। तो दोस्तों हम कटोरी में सौंठ को रख देते हैं, इसी वक्त सिलबट्टे को धुल देते हैं, नहीं तो चिपक जाता है। तो हम सिलबट्टे से सौंठ को बारीक पीस ली हूँ, तो सौंठ को हम पीस लिए हैं, बाकी सौंठ हमारा भीग गया है कूटते समय, तो इसको सूखने देते हैं यहीं पे। तो यहाँ सब नहाने जा रहे हैं, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर हमारा दाल चावल पक रहा है, चावल हमारा पक गया है, यहीं पे उतार लेते हैं चावल को। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे दूध, तो ये पेउस वाला दूध है। तो यहाँ पर रख तो दोस्तों यहाँ एक लीटर दूध है, ये पेउस है, तो अभी हाल में बच्चा दी है भैंस, तो उसी का पेउस है ये, तो इसको पेउस ही बोला जाता है। तो दोस्तों यहीं पे डाल दी हूँ सौंठ को, अब यहीं पे डाल देते हैं गुड़ को। तो गुड़ हम एक पाव ली ही आधा ही डालेंगे एक लीटर दूध में। तो दोस्तों यहीं पे हम 25 ग्राम के बराबर चीनी डाल देते हैं। तो दोस्तों दो उबाल आ गया है, देखिए हमारा खिचड़ी बनके तैयार हो गया है, ये दूध फट जाता है, वैसे आप सब भी बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं सोची आप सबको दिखा दो बनाकर। तो दोस्तों यहाँ पर पेउस का खिचड़ी बना के तैयार कर दी हूँ, अभी सभी बच्चों को दे देते हैं पीने के लिए, और सबको पसंद आता है ये। तो दाल हमारा पक गया है, दाल को भी उतार देते हैं। तो इधर मैं चावल निकाल दी हूँ, अभी बच्चे खाकर जाएंगे स्कूल। यहाँ पर मैं निकालने जा रही हूँ, दे देती हूँ सबको पीने के लिए, आज चाय मैं नहीं बनाई हूँ, तो बच्चे जा रहे हैं खाना खाने, और सब आप चाय की जगह पे यही पियेंगे। तो देखिए दोस्तों खिचड़ी कुछ इस तरह बना है, और फटा हुआ दूध भी बोल सकते हैं इसको, तो बहुत अच्छे से बना है सब, ये देखिए यहाँ पर। तो दाल चावल यहाँ खा रहे हैं, दाल और लाए चंदन, ये लो चंदन, ये लो शीतल, ये लो अंजलि, वो ज्यादा है खा नहीं पाओगी, अंजलि अपना होशियारी लगा लेती है। यहाँ चंदन को चावल चाहिए, और तो हम चावल निकाल देते हैं, यहाँ दाल निकाल रहे हैं, तो इस तरह इन सबको तैयार करना पड़ता है सुबह के टाइम। तो आज तो पेपर है इन सबके स्कूल में, तो अंजलि का तो आज छुट्टी है, इसीलिए
आज तैयार नहीं हुई है, आज वैसे ही कपड़ा पहनी हुई है, बाल में कंघी भी नहीं की। तो यहाँ सब लोग खा लेते हैं। और कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में कमेंट आया था मैं बनाई थी, क्या बनाई थी चंदन? परसों? हाँ, गोभी का पराठा। नहीं, उससे पहले क्या बनाई थी? दाल चना। हाँ, चना दाल की ली थी। तो मटर दाल का लिट्टी बनाई थी। तो हम बोले थे कि कैसा लगा बच्चे, तो हमारी एक दो बहनें बोली थी, संगीता जी तुम्हारे बच्चे तो हर चीज़ उनको अच्छा लगता है। तो ये सच बात है, हर चीज़ तो अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा बना था। तो यहाँ और हमारी अंजलि तो लग गई है। कैसा बना है अंजलि खिचड़ी? अच्छा, अच्छा बना है। अंजलि को सिर्फ मीठा होने से मतलब है, चाहे जो भी रहे, पानी ही रहे लेकिन मीठा रहे। तो दोस्तों, इधर सारा कपड़ा मैं धो के फैला दी हूँ और अभी सारा काम करना है। तो बच्चे आएंगे पढ़ के तो आप सबसे मिलेंगे। तो इतना सारा काम हमारा हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी लगा रहे हैं, फूल आ गया है, तो इसका बिया जो है फर्श पे गिर जाएगा तो ये जमेगा नहीं, तो इसीलिए मिट्टी रख दिए हैं। और बहुत बारीक इसका बीज होता है तो हम उठा भी नहीं सकते और पता भी नहीं चलेगा। सरसों के दाने के चार भाग का ये है, तब इसका बिया इतना छोटा जाकर है, तो इसीलिए मिट्टी लगा रहे हैं ताकि इसी में गिरे। को मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि किस तरह लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह मिट्टी लगा रहे हैं। देखिए, ये वाला जो तीनों पौधा लगा था, इधर साइड भी लगा है, तो इसी के बीच में जो ये वाला पौधा है, तो इसी को मिट्टी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसी में मैं बताई कि इसका बीज गिरेगा। तो मैं इसका फल भी दिखा देती हूँ किस तरह लगा हुआ है। तो ये देखिए, बारीक बारीक सा फल है, आ रहा है इसमें। देखिए, ये कर दी तब जाकर ये बड़ा दिख रहा है, नहीं तो ये बहुत छोटा छोटा सरसों के दाने के जैसे है। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि इसका बीज पका कहाँ पे है। तो ये जो काला हो गया है इसमें, वही पका है। तो अभी तो फल इसमें लगा है, ये नीचे का साइड सब पक गया है। देखिए, इसमें से इसमें से सारा बिया जो है गिर गया है, ये सब पका है, ये फूल है। तो बहुत जूम मैं करके दिखा रही हूँ तब ये दिख रहा है दोस्तों, नहीं तो बहुत बारीक है। अभी मैं जूम आउट हटा देती हूँ। तो इसी के लिए यहाँ मिट्टी लगाया गया है। तो मैं सोची आप सबको दिखा दूँ, नहीं आप सब पूछोगे कितना बड़ा क्यों बना दिए आप सब, मिट्टी क्यों रख दिए फर्श पे। तो इसीलिए फर्श पे मिट्टी रखना पड़ रहा है। तो ये रात का टाइम है, शाम का, अभी खाना बन रहा है। तो यहाँ पर सब लोग बैठी हैं चटाई बिछा के, तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, देखिए। हाँ, तो दोस्तों, मैं खाना बना रही थी और चावल बना के अभी आटा गूंथ के रखी हूँ, वीडियो एडिट कर रही थी। तो अब चलती हूँ, फिर से बनाती हूँ। यहाँ चंदन के पापा मिर्ची भून रहे हैं, सूखा मिर्ची, तो तावा में यहाँ भून रहे हैं, बैठे हैं, और वीडियो बिल्कुल झिलमिला हटा रहा है। तो यहाँ पर बैठे हैं, बाहर ही खाना शाम के टाइम बन रहा है, तो हमारा खाना अभी बन जाएगा। तो यहाँ पर सब लोग खेल रही हैं, और ये देखिए, कोई खिलाई है, कुछ बता रही हैं। गुंजन, ऐसा मत खेलो। तो अंजलि, अपना बैग नीचे फेंकी हो, बैग ले जाकर रख दो। तो कई भाई बहन हमारे बोलते हैं, अंजलि पढ़ने नहीं जाती है, घर पे बैठाए रहते हो, बिगड़ जाएगी। जाती है स्कूल हमारी अंजलि, है ना अंजलि? हाँ, जाती है। पर चावल बना दी हूँ, रोटी बनाना बाकी है। तो मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, इधर मिर्ची को भून चुके हैं। अब चलती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, सब्जी बनाती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, मैं आप सब देख रहे होंगे, तीन दिन मैं खाना बनाई तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो हमारी एक दो बहन है जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी बोल रही थी, संगीता जी रेसिपी बनाइए, तो आप सब बताइए। और उन बहनों से पूछती हूँ क्या करूँ मैं, जब ये बिल्कुल डाउन जीरो पे चलेगा तो कैसे हमारे घर का और कुछ कैसे हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कभी खाना भी बनाऊँगी, ब्लॉगिंग भी करूँगी। और प्लीज़ उस बहन से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ब्लॉगिंग भी करूँगी, खाना भी बनाऊँगी,
और हमारे एक दो भाई बहन बोले हैं कि संगीता जी जो वीडियो चले वही बनाना। तो ठीक है, हम जैसा टाइम मिलेगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।